गेम में तो भूल गया था। How can you leave now? You गया और you आया। Hasta la vista, baby. But bye bye Nick! bye. Nick. क्या करते हैं? ऐसे कैसे गेम भूल गया तू? ऐसे ही थोड़ी। दर्द सास्वी की सबसे हॉट लड़की के लिए तुम्हें सोया है। चल। Come on, तू। Come on, निकल स्कोर, स्कोर, स्कोर। साले तो नहीं होता ना आज गेम हार जाते पता है निकल लिया उसकी टीम जिस दिन हारे उस दिन मैं वन वुमन मैन बन जाऊंगा व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल साले सोच समझ के बात क्या कर इसी दिन अगर गलती से हार गए ना बोल दिया ना गलती से भी गलती नहीं होगी प्लीज बास्केटबॉल खेलना आता मैंने तो पैदा होते ही पहला वर्ड बॉल बोला था नो वंडर फुटबॉल और बास्केटबॉल के बीच में तुम्हें फर्क नजर नहीं आ रहा गेम की रिस्पेक्ट करते ना तो ऐसे किक नहीं करते अगर गेम आता तो गेम की रिस्पेक्ट करते बट देन अगेन तुम लड़कों को रिस्पेक्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती राइट रिस्पेक्ट कर रहा हूं इसीलिए चुप हूं तो तुम सिखाओगी मुझे ये गेम मैं सिखाऊंगी तुम्हें ये बास्केटबॉल गेम और मेरे गेम का फर्स्ट रूल है गेट आउट एक्सक्यूज मी अगर मेरे कोर्ट से एक मिनट के अंदर नहीं निकले ना तो सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगी जस्ट गेट आउट ये तुम्हारा कोर्ट कब से बन गया दो मिनट बीस सेकंड पहले से ये कोर्ट गर्ल्स बास्केटबॉल टीम का हो गया सो इफ यू डोंट माइंड लिसन बेब ये कोर्ट जो है ना निक सुनो ये गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है नीति हाय हाय नीति कैसी हो आजकल दिखती नहीं हो तुम जैसे लूजर लड़कों को दिखने से अच्छा ना I'd rather die गुड गुड निक निक यू वर लाइक सो हॉट आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट यू सीरियसली हे गाइस ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई हाँ बैठ 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 ये क्या है ये यार ये गेम इतना नहीं थकाता है ना लड़कियां थका देती है नॉट फेयर यार निक कोर्ट पर भी तू स्कोर बनाता है और कोर्ट के बाहर भी तू ही लड़कियों को घुमाता है यार कैसे करता है तू हाउ डू यू डू इट फाइव सेकंड्स बताना यार यार निक हूँ रजनीकांत नहीं पांच दिन यहाँ पांच साल हो गए और अब तक एक लड़की नहीं पटी बुरा मान रहा है तू चल एक बात सुन मेरे शहर में रहेगा ना तो सीख जा इट्स सिंपल इट्स एक्चुअली एन आर्ट समझा किसी भी लड़की को पटाने के लिए पांच दिन चाहिए समझा मेरा मंत्र है पांच दिन लड़की बाबा बाबा जय हो बाबा एक तरफ है हमारे निखिल कंप्लीट कैसनोवा लड़कियों के पीछे पागल और दूसरी तरफ है नीति अ गर्ल हु हेट्स बॉयज जिसके लिए निखिल जैसे लड़के हैं ना उसकी डिक्शनरी में लड़के कहलाने के लायक भी नहीं दैट्स हाउ मच ही हेट्स नाउ अब ये दोनों लोग इतने ज्यादा अपार्ट हैं देयर सो पोल्स अपार्ट फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ दैट्स हाउ डिफरेंट दे आर अगर आप लोग सोचेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में कभी कोई प्यार जैसी कोई चीज कैन देयर बी अ मैच तो आपके दिमाग में पहला जवाब आएगा कि ना दैट कैन बी पॉसिबल बट आई थिंक दैट्स व्हाई यू गो रॉन्ग आइए देखते हैं निखिल और
नीति की लाइफ में क्या हुआ? Welcome to Glamour Presents Bindaas. ये है आशी, co-presented by Mindstorm. पूरा का पूरा यूटर्न नीति। यूटर्न? कौन सा यूटर्न? तू कैसी थी पहले और अब कैसी हो गई है? सडनली इतना चेंज? सीरियसली, मैं तेरी फ्रेंड नहीं होती ना तो तेरे को पहचान ही नहीं पाती। आपका फुल पॉइंट ना श्रुति, उस नीति को तो मैं भी नहीं पहचानती। तो ये सब क्यों देख रही है? यू नो ना श्रुति, ये जो मेरी लाइफ का पार्ट था ना, वो ओवर हो चुका है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। यही वो दिन था ना इस मैन नीति से एकदम पक गया हूं यार। आई एम बोर्ड ऑफ बिग टाइम बोर्ड। इतनी हॉट लड़की के साथ घूम रहा है और तू कह रहा बोर हो चुका है? अबे क्या खागौट है, बहन जी है वो, समझा? सिर्फ बहन जी। अबे स्पार्क होना चाहिए बंदी, फ्लेम इज मिसिंग यार, टोटली मिसिंग। दिन भर रोमांटिक बातें करती है लेकिन जब पास जाओ तो टाई टाई फिस, क्योंकि मेरे लिए शी इज जस्ट फॉर शी इज माय इमेज गर्लफ्रेंड। और वैसे बाकी सबके लिए तो कोई और ही है। जोक तो तुझे क्या जरूरत है फोटो संभाल के रखने की? इफ यू हेट हिम दैट मच, याद रखने के लिए ओके, सो दैट मैं ये मिस्टेक ना फिर से ना करूं। कम ऑन नीति, एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से तू एक मैन हेटर थोड़ी ना बन सकती। लिसन, इट्स नॉट अबाउट हेटिंग मैन और बीइंग अ मैन हेटर एंड ऑल दैट, ठीक है? मेरे हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा है यार। ये शादी, मैरिज, ये सारे सोशल नॉर्म्स, इन सब का ना एक ही पर्पस है, ये दिखाने के लिए कि एक लड़की एक लड़के पर हमेशा डिपेंडेंट रहती है। एंड यू नो व्हाट, मेरे लिए मेरी इंडिपेंडेंस ना बहुत जरूरी है। कांट फील ट्रैप्ड एंड ऑल यार। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वार्डन का फोन आया, अभी बुला रही हूँ। ये लो लेटर, इसमें लिखा है कि आज से बास्केटबॉल कोर्ट बॉयज हॉस्टल के मैनेजमेंट के अंदर आता है। What? But ma'am, ये कैसे रूल्स हैं? अगर हम बास्केटबॉल कोर्ट में गर्ल्स और बॉयज के बीच में इक्वालिटी नहीं रख सकते तो बाहर जाकर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सपेक्ट मत करो, रूल्स फॉलो करो। आई एम सॉरी मैम, मैं ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकती। तो जाकर बॉयज टीम के कैप्टन निखिल चौहान से बात कर लो, ऑफिशियल बुकिंग उसी के परमिशन से होगी। ये रहे उसके डिटेल्स। ये मैम, मैं इससे परमिशन लूंगी? जस्ट लीव इट मैम। मैम मैं मोर्चा निकाल दूंगी इसके अगेंस्ट, पूरे कॉलेज को गैदर करूंगी इसके अगेंस्ट। मैम आप देख लेना, प्लीज लीव, मुझे अभी बहुत काम है। वेरी नाइस। हे निखिल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओह बेब, मैं जाना होगा, आई मीट यू लेटर, बाय बाय। How sweet. You. Bye-bye. Bye. और उसने तेरे खिलाफ मोर्चा निकाला है। किसने? नीति, वही गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की कैप्टन। Really? मैं इतना फेमस बन चुका हूँ? चल देखते हैं। आप सब बताइए, गर्ल्स बॉयज से परमिशन लेंगी? क्या हम इस कंट्री के सेकंड सिटीजन्स हैं? हमें वो इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? वो पावर क्यों नहीं मिल रहा है जो इस वक्त हमारी कंट्री के बॉयज को दिया जा रहा है? We should not stand for this. We should not tolerate. नीति, please. छोड़ना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख हमारी बास्केटबॉल की टीम भी नहीं आई है। प्लीज जस्ट लीव इट। नीति, मुझे लेट हो रहा है, कल मेरी डेट है, ओके बाय। डेट? डेट के लिए जा रही है ये? पता है, हम
लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, हम कभी भी ना किसी भी इशू के लिए एक साथ खड़े नहीं हो सकते. नेवर. रिडिकुलस. पकड़. बस यही था मोर्चा. क्या प्रॉब्लम क्या है इस लड़की का? बॉयज मेन, हम लोग इसे पसंद नहीं. सारे के सारे ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? नहीं चाहिए. अगर मेकअप होता ना, कोई मेकअप कॉन्फ्रेंस होती ना, तो सबसे हाय हेलो करके अभी तक आ भी गई होती. इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो मुझे यहां नजर आ रही है. क्या तू कल लॉकर रूम में बड़ा शो ऑफ कर रहा था ना? पांच दिन लड़की है के बारे में क्या? आर यू मैड? शी नॉट माय टाइप. छोड़. वही तो चैलेंज है मेरे भाई. अगर पांच दिन में तूने इसे पटा लिया, तब जाके तुझे गुरु मानूंगा. आदिल तू पागल हो गया है क्या? लड़कियों की कमी है क्या कॉलेज में? क्यों डर गया? ए निखिल किसी से नहीं डरता है. तो लगी बैठ. फाइव डेज. अगर फाइव डेज में लड़की नहीं मानी तो अपने वर्ड्स वापस ले. लॉकर रूम में सबके सामने कैसनोवा निखिल से नॉट सो कैसनोवा पर आ जा. शर्त. चल लग गई. वैसे भी चैलेंज इतना मिस्टीरियस हो, मजा उतना ही ज्यादा आता है. आदिल द बेल इज ऑन. एक्सक्यूज मी. Morning 6:30 a.m. to 11:30 p.m. for the girls' hostel. And from 11:30 p.m. to 5 p.m. for the boys' hostel. Catch kiya hai, huh? Kya karna chahte ho tum? Main to issue sort out karna chahta hu. Schedule. Basketball court use karne ke liye. Listen. Tum na acche ladke banne ka natak mat karo, please. Quite disgusting. Mujhe galat samjha aapne. I'm a nice guy. No, you're not. क्योंकि अगर तुम मिस्टर नाइस गाय होते ना, तो ये शेड्यूल ना ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाते. मीटिंग रखते पूरी गर्ल्स बास्केटबॉल टीम के साथ और पूछते वेदर ये टाइमिंग हमें सूट करती भी है या नहीं. हमारी तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए. प्रैक्टिस अब तक ऐसी हो रही थी तो तुमने सोचा कि आगे चल के भी यही चलेगा, राइट? सो टिपिकल. लिसन, हमें ना तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं. ये बास्केटबॉल कोर्ट ना गर्ल्स हक से लेंगे, इज्जत से लेंगे, तुम्हारे एहसान से नहीं. ना गो अवे. घूर के रहे हो, जस्ट गो ना. ये कोई और ही चीज है. जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं. और लिसन, वन मोर थिंग. मेरा मुद्दा और मेरा मोर्चा अभी तक खत्म नहीं हुआ, समझे? ये जो इश्यू है ना, मैं स्टूडेंट एनुअल बॉडी मीटिंग में ले जाऊंगी. हे हे हे, एक काम करते, मीटिंग कर लेते. यू आर राइट, इट शुड बी अ फेयर गेम. तुम अपनी टीम को बुलाओ, बैठ के बात कर लेते. व्हाट? हाँ, प्लीज. तब तो ये गुस्सा, ये मोर्चा, लोग नॉर्मल नहीं रह सकते क्या? नॉर्मल? हाँ, आई मीन अपना गुस्सा मिटाकर, अपने डिफरेंसेस बुलाकर, जस्ट नॉर्मल. नॉर्मल? नॉर्मल गुड. एक्चुअली हाँ, नॉर्मली करते हैं, ओके? क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन में तुम जैसे लड़के का पाथ मुझ जैसी लड़की के पाथ से कभी क्रॉस नहीं होगा. सो यू गो लेफ्ट, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट. जाने से पहले वन ऑन वन हो जाए, जस्ट टू मेक श्योर हमारे पाथ्स क्रॉस ना हो. सोच लो, हार जाओ. रियली? आज तक नहीं हारा हूं. वेल, दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम.
We'll see. We'll see. निखिल के बच्चे को, I mean seriously you nailed it, full power. अरे show off कर रहा था ज़्यादा ही, had to put him in his place. Anyway, तूने अपना assignment किया? नहीं किया. तू कभी नहीं करती है क्या assignment? Yes. मैं तुम्हारी दोस्त के साथ अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? No. श्रुति मेरी best friend है, तुम्हें जो भी कहना है उसके सामने कहो, okay? Okay. वैसे मुझे कोई सीक्रेट नहीं बताना है, चाहो तो पूरे कैंटीन के सामने चिल्ला के भी बोल सकता हूँ. रिक्वेस्ट है प्लीज. ओके चल सी यू नीति, ठीक है. श्रुति श्रुति सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी फ्रेंड को ऐसे जाना पड़ा ना. डोंट वरी, मैं काटता नहीं हूँ. सुबह तक तो आप कर रहे थे, अब तुम पर उतर है. थैंक गॉड तुमने नोटिस तो किया. ओके, मेरी लाइफ में एक रूल है, कोर्ट में जिसके साथ एक बार बास्केटबॉल खेल लिया और कोर्ट के बाहर जिसके साथ एक कप कॉफी पी ली, वो मेरे फ्रेंड जोन में आ जाते हैं. और फ्रेंड्स के साथ फॉर्मेलिटीज कैसी? जस्ट लिसन ओके, सब लोग यहाँ देख रहे हैं और तुम्हारी तरह मुझे अनवांटेड अटेंशन पसंद है. ओके, सो ये फ्रेंडशिप थोपना छोड़ो एंड कम टू द पॉइंट. क्या चाहते हो? थैंक यू कहना चाहता हूँ. किस लिए? एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए. मैच से पहले मैं लाइफ को और गर्ल्स को शायद अलग नजर से देखता था, लेकिन मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा. पहली बार किसी ने मुझे हराया. Honestly, I loved it. तुम्हें वो बात है नीति जो लोगों की लाइफ को बदल कर रख दे, कल वो बदलाव मेरी लाइफ में भी आया, इसलिए थैंक यू वेरी मच. And trust me when I say this, मैं आज तक तुम जैसे लड़की से नहीं मिला. और आज के बाद मिलू भी ना, because I won't be bothering you again. So good luck and goodbye.
जो इन दोनों की लाइफ में हो रहा था ये इन दोनों ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बट इस प्लान में कहीं ना कहीं निखिल भी अपना वो साइड रिवील करने लगा था जो उसने आज से पहले कभी किसी को रिवील नहीं किया। बट अब जो ये दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे ये फीलिंग झूठी नहीं, दिस वाज ट्रू। बास्केटबॉल कोर्ट में क्यों होती है? ताकि तुम जैसे हार्ड वर्किंग लोग एक ब्रेक ले सके। सीरियसली कभी तो सांस ले लिया करो, अब तक तो बास्केटबॉल कोर्ट भी थक चुका होगा। सांस तो मैं नहीं ले सकती। लिसन, क्रिसमस डेकोरेशन में वॉलंटियर करना है? तुम करो भी तो करूंगा। Looks fine. थोड़ा सा Perfect. इतना सुंदर लग रहा है। It looks so awesome ना? जब ये सारे lamps light up हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है। क्या? ये लाइट्स? हाँ, that's awesome.
बोल लगा I'll get the All Stars. Congos and bongos, dude. आजा मेरे शेर, आजा बैठ बैठ बैठ. तूने आज वो कर दिखाया जो सन 2011 से किसी ने नहीं किया. नीति को ब्लश कराया ब्लश. मैंने अपनी आंखों से देखा था ओके? और कल है डे 5. भाई ये शर्त तो मैं हार गया. चलो सही है बेटा, सारा साल तेरा कैंटीन बिल मुझे ही भरना होगा. क्या हुआ ब्रो, तू ठीक है ना? ऑल ओके? हाँ हाँ, कुछ नहीं बस ऐसे. यू श्योर? राइट, कुछ बात है तो तू मुझे बता सकता है? यू कैन टेल मी. पता नहीं यार आदर, लेकिन नीति के सामने मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ. मतलब शी सो डिफरेंट यार, ऊपर से इतनी रूड, इतनी मीन, जैसे कि वो चाहती नहीं कोई उसके पास आए. लेकिन एक बार जो उसके पास चला गया उसे भूल नहीं पाएगा. समथिंग एल्स ब्रो, तुझे याद है ना, ये सिर्फ एक बेट है. है नहीं, बेट थी. लेकिन ये बेट करते करते कब मैं उसे लाइक करने लगा, I don't know. अब मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता. सोचता हूं तो कुछ चीप सी फीलिंग होती है यार. उसकी आंखें यार, इतनी इंटेंसिटी कहां होती है किसी की आंखों में. आई कांट हर्ट हर. तो तू ठीक है ना? तूने आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही है. क्योंकि आज तक ऐसा कभी फील ही नहीं किया था यार. I want to know her, all of her. ऐसा लगता है उस हार्ड एक्सटीरियर के पीछे एक सॉफ्ट सी लड़की छुपी है यार. मैं उस नीति को जानना चाहता हूं जो पूरे वर्ल्ड से छुपकर कहीं किसी कोने में जाके बैठ चुकी है. तो ठीक कह रहा है यार, तू जिस नीति की बात कर रहा है वो 2012 तक चेंज हो गई थी, जिस साल तूने कॉलेज में एडमिशन लिया था. मतलब क्या? मैं समझा नहीं. इन 2011 she had a bad breakup with Rahul यार. What? Yeah. कैसी रेपुटेशन है कॉलेज में? कॉलेज का कैसिनोवा है वो. नहीं यार श्रुति, तुझे पता है जिस निखिल से मैं मिली हूं ना, वो कोई और ही है. He's like a, he's a changed निखिल. तुझे पता है उसके बारे में ना मैं बहुत गलत सोचती थी. यू नो डीप डाउन रियली रियली नाइस गाय. और जब से उसे जाना है ना, बस उसे और जानने का मन करता है. वाओ, इतना ज्यादा चेंज इतने कम टाइम में. आई गेस जब कुछ होना होता है तो ऐसे ही हो जाता है. नहीं एक बात बता, अगर उसने तेरे को प्रपोज किया तो तू क्या बोलेगी? प्रपोज? नीति के लाइफ में मैं दूसरा लड़का हूं जो उसे धोखा दे रहा हूं. I have to tell her the truth. Hey bro, congrats in advance यार. बट तो गई है, अब भाभी कर ही देगी. Guys, ये सामने क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तो सबके सामने ही तो पटाया है. Too good man. कैसे नो बाबा की जय. हर बेट तू कैसे जीत लेता है यार? वो लड़की जिसे सारे लड़के दूर भागते थे, तूने उसे भी पटा लिया. Awesome bro. मान गए यार.
जो लड़का नीति को राणा को पटा सकता है ना, वो किसी को भी पटा सकता है। Listen guys, तुम लोग मेरी बात सुनो। I wasn't drinking. No. Just... Don't. नीति just. Don't. 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 मेरी बात नहीं सुनिए, तुम्हारी बात नहीं सुनिए, तुम्हारी बात क्या सुनूंगा, कितना झूठ बोलोगे आप तुम। प्लीज जस्ट डू व्हाट आई सेड टू यू, हाउ डेयर यू प्ले विद माय फीलिंग्स लाइक दैट। यार एक बार मेरी बात सुन लो, डू व्हाट आई सेड टू यू, क्या सुनाओगे तुम मुझे, एक बार मेरी बात सुनो। क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो तुम, क्या बोलना चाहते हो तुम, हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, गो गेट आउट ऑफ माय रूम, जस्ट गो प्लीज। एक बार मेरी हमने बैट लगाई थी 5 दिन की, जब तुमने वो पहला बास्केट में रह गन स्कोर किया, इसे मैंने अपना हार्ट खो दिया था नीति। हमारी आंखें, स्माइल, हमारी बातें, सब कुछ। आई लव यू, 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 ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मारो मुझे, मुझे गलत मत समझो। हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन वो झूठ नहीं कहता तो मुझे कभी एहसास नहीं होता तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये लो मारो मुझे, सबको यही लगेगा कि गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की सजा मिली है इसे। और तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, इसको नट्स। मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरा प्यार झूठा नहीं। Just leave! Go away from here! Wait for you, Niti. क्रिसमस पार्टी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। I'll wait for you.
Come on, bro. कब तक ऐसे वेट करेगा? जब तक वो आ नहीं जाती आदिल, तब तक मैं यही रहूंगा। लेकिन अगर वो नहीं आई तो? नो, मेरे डैड कहते थे कि कभी किसी लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए। It's bad karma. फिर तो मेरे बैड कर्मा का घड़ा कब का भर चुका होगा ना? ना जाने कितने लड़कियों का दिल तोड़ा है यार। तुझे लगता है नीति आएगी? पता नहीं यार, मैं उसके जगह पे होता तो नहीं आता, पर मेरा हार्ट कह रहा है कि वो आएगी। पागल है साला, इतनी सारी लड़कियां हैं कॉलेज में, तुझे नीति से ही प्यार करना था, उस तोप से। उसमें कोई और ही बात है यार, कोई और ही बात है। फिर तो मुझे लगता है कि वो जरूर आएगी, क्योंकि मेरी तरह वो भी जानती है कि तेरा दिल बहुत अच्छा है। जी, लुक एट हर, आज तो कुछ ढंग का पहन के आती। इट्स अ पार्टी। ब्लडी टॉमबॉय शो ऑफ, शी इज सच अ किल जॉय मैन। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट वन सेकंड, एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड, वन सेकंड। कहते हैं अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो मिल जाता है। मैं आज कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। Go ahead, Nikhil. Say you love me. No, he loves me. मुझे वो हो गया जिसका हमेशा से डर था। I'm in love. इश्क वाला लव। You know what? उससे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, फिर भी मैंने उसका दिल दुखाया। इसीलिए मैं आज तुम सबके सामने सच्चे दिल से उसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm sorry. कौन है वो निखिल? Who is she? मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। अगर वो अपने आप मेरी तरफ चल के आएगी, मैं समझूंगा कि उसने मुझे माफ कर दिया। एक पल में क्या से क्या आओगी ना जादू सा क्या चला माफ करने? तुझसे जुदा हुआ स्वेयर, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। विदाउट यू लाइफ इज इनकम्प्लीट। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो। लव यू नीति। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी आई लव यू टू। Hey guys, 5, 4, 3, 2, 1,
4, 3, 2, 1. Merry Christmas! प्यार और प्यार की ताकत। अब देखिए, कोई भी इम्पॉसिबल चीज या जो ना हो सकता हो उसे पॉसिबल कर देता है प्यार। लाइक किसने सोचा था कि एक मैन हेटर नीति एक कैसेनोवा निखिल जैसे लड़के से प्यार कर बैठे। शी हेटेड मैन, उसे आदमी पसंद ही नहीं। बट लव, लव कॉन्कर्स ऑल माय डियर फ्रेंड। ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए कीप फॉलिंग इन लव गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।